ग्यारहवीं कक्षा के छात्र ने मंगलवार को मौन विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों से मार्च में अपनी परीक्षा आयोजित करने या उन्हें व्यापक पदोन्नति देने के लिए कहा, क्योंकि वे चल रही महामारी की स्थिति के कारण अपने पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए, जिसने दुनिया भर में सभी शैक्षणिक गतिविधियों को बंद कर दिया। छात्रों के एक समूह ने कहा कि उन्होंने साल कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण कक्षाओं में भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हालांकि अधिकारियों ने छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा दे रखी है, लेकिन वह भी कमजोर इंटरनेट सेवाओं के कारण दूर का सपना बना हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से मार्च में अपनी परीक्षा आयोजित करने की अपील की, ताकि छात्र बाकी सिलेबस तैयार करें या अन्य कक्षाओं की तरह सामूहिक पदोन्नति की घोषणा करें। सोपिया की एक छात्रा ने कहा कि अधिकांश छात्र इंटरनेट की समस्याओं के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हुए हैं और उनके अधिकांश सहपाठी दूर दराज के इलाकों से हैं, जहां कई कारणों से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। उन्होंने अधिकारियों से छात्रों को करियर की सुरक्षा के लिए मामले को देखने की अपील की। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से सुहेब रंगरेश की खास रिपोर्ट। कोविड पैंडेमिक में दौरान हम स्टूडेंट्स जो है हम 3 महीने घर में ही रहे, अभी तक कोई पढ़ाई नहीं पहुंची, तो ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी टीचर्स, लेकिन उसमें कुछ बफरिंग आ रही थी, उसकी वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फेस टू फेस जो कांटेक्ट होता है ट्यूशन्स में, वो ऑनलाइन क्लास से वो फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हमारी जो स्टडीज़ थी उनमें भी बहुत असर पड़ा, जो पिछला वाला जो पढ़ा था वो भी हम भूल गए। मास प्रमोशन ही की जाए। शोपियान में अक्सर नेट बंद रहता है, ऑल फ्लाइंग एरिया है, यहाँ पे मतलब नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है और अक्सर यहाँ पे नेट बंद ही रहता है, तो इनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास हम देते हैं, हाँ कोई भी बच्चा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करता और स्मार्टफोन भी नहीं है, हर कोई थोड़ी यहाँ पे रिच होता है। यहाँ आप देख भी सकते हो, यहाँ 10 बच्चों के पास फ़ोन होगा, 50 के पास फ़ोन नहीं होगा। एग्ज़ाम देंगे उससे हमारा अटेंशन डाइवर्ट होगा, हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, आगे जो है हम उसके लिए नहीं पढ़ पाएंगे। 10th को सिलेबस कम है, 12th को सिलेबस कम है, 11th को सबसे ज़्यादा सिलेबस है, इसमें बीच में आता है 11th। ये चाहते हैं कि हम लेंगे एग्ज़ाम, लेकिन मतलब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, तो इसीलिए हमें कीजिए मास्क।